एक मी टू एलिगेशन लगा था सुशांत पे 2018 एंड में बाय संजना सांगवी हिज को स्टार. और संजना सांगवी ने ये एलिगेशन क्लैरिफाई नहीं किया था काफी समय तक. एंड सुशांत हैड टू गो आउट देयर एंड रिलीज हिज प्राइवेट चैट्स विद हर फॉर पीपल टू बिलीव हिम. और काफी समय तक लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे. और काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटरव्यू देता था या कहीं भी जाता था, ये मीटू 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 यूज टू हॉन्ट हिम. इनफैक्ट उसने मुझे बताया था हाउ बैड एंड ट्रॉमेटिक दैट टाइम व्हेन दिस एलिगेशन वाज मेड वाज फॉर हिम. एंड दैट कंटिन्यूड अनफॉर्चुनेटली एवरी इंटरव्यू दैट ही गेव दैट मीटू थिंग केप्ट कमिंग अप. That girl gave a clarification 1.5 months later. This destroyed Sushant's mental sanity. As a woman, I've said more than everything that I had to say. In fact, to your channels of India Today and Aaj Tak, and I literally cannot entertain that stuff right now. I've said everything that I had to say and more in over 25 interviews. So, yeah, I have nothing new to say at all. सुशांत को डिप्रेशन था. वो इतना सिवियर एंग्जाइटी उसको शुरू में था, एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे. उन्होंने ये रिक्वेस्ट की. पहले मुझे लगा कि क्यों, ये ठीक है, चला जाएगा एक दो दिन में. फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है. और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट. वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं. उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादा चंजी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी है. आई डिडंट पिक अप ऑन दैट फॉर द सिंपल रीजन दैट आई नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ एन अथॉरिटी टू बी एबल टू पिक अप ऑन पीपल बीइंग डिप्रेस्ड. I am an authority that on my co-actor or a friend, I can tell if they're not in a good mood or something's bothering them. And when you're playing two cancer-stricken patients who are dealing with life being timed and dealing with such a heavy emotional narrative, we both used to be in very, very sinister, very, very serious states of mind at many, many points in time. There were days on set where because of our characters' demands, I would just sit in a corner with earplugs in my head the entire day, do the shot, not speak to anyone, as would he. And we would do that with our backs leaning against each other. But that was our zone. And that was the sanctorium that we had created for ourselves to tell this story.